जय भीम इंडिया भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुजन समाज की कुछ खबरें बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है मायावती जी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टी आरक्षण विरोधी है। जयपुर के अजमेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयासों से आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन ये दोनों पार्टियां इसके खिलाफ जा रही है। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अयोध्या का नाम साकेत नगर किया जाए और वहां पे बुद्ध का विहार बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि खुदाई में खंडरों में भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, इसलिए वहां पे बुद्ध विहार बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या नगर को साकेत नगर का नाम देने की बात कही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, अयोध्या का नाम साकेत नगर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वहां पर राम मंदिर की जगह बुद्ध विहार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर भी भीम आर्मी की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 25 नवंबर को शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म सभा रखी थी अयोध्या में। तो दोस्तों इस बारे में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि इस धर्म सभा का आयोजन लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया गया है, जिससे धर्म के नाम पर वोट लिए जा सके और धार्मिक बंटवारा किया जा सके। दोस्तों अगली खबर जो निकल के आ रही है वो है बिहार से, जिसमें दलित महिला की कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी। कर्ज के पैसे नहीं लौटा पाई थी महिला, इसी कारण कुछ दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी और महिला अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों पूरा मामला यह है कि पूर्वी चंपारण में एक महिला ने दलित महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए गाँव के ही पैक्स अध्यक्ष से 70,000 रूपए उधार लिए थे। महिला के 5,30,000 चुकाने के बाद भी बकाया पैसा मांगते हुए महिला की पिटाई कर दी गई। पिटाई के चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, अब उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बसपा पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों दलित पंचायत में ऐलान किया गया है कि दलित समाज के बड़े नेताओं का जो बसपा से ताल्लुक रखते हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आगरा में दलित समाज के लोगों ने ऐलान किया है कि बसपा के बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। सपोर्ट इंडिया के द्वारा किए गए कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया है। मानो इस खबर के बाद शहर में खलबली सी मच गई हो। आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। आगरा में बाबा साहब आम्बेडकर के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव को भीम नगरी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में भीम नगरी कई सालों से सस्ती हुई आ रही है, लेकिन इस बार इसका आयोजन करही में किया जा रहा है। सपोर्ट इंडिया के द्वारा एक महापंचायत की गई, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि भीम नगरी आगरा में ही होगी, उसे करही में नहीं किया जा सकता है। जिस तरह आगरा को छोड़कर करही में भीम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सपोर्ट इंडिया के पदाधिकारियों ने इसी के चलते बसपा के बड़े नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही है। दोस्तों जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है बीजेपी की तरफ से। भारतीय मीडिया की पहुंच के संबंध में आंकड़े जुटाने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क ने एक नए आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें भाजपा सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वाला ब्रांड बना है। बार्क के आंकड़े बताते हैं कि 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए है। एक हफ्ते में करीब बीजेपी ने 22,099 विज्ञापन दिए है, और विज्ञापन देने के मामलों में दूसरे नंबर में नेटफ्लिक्स है और तीसरे नंबर पर टिवागो कंपनी है। दोस्तों जो बीजेपी और नेटफ्लिक्स का अंतर है एक हफ्ते के अंदर विज्ञापन देने का, वो करीब 10,000 विज्ञापनों का है। यानी कि नेटफ्लिक्स से 10,000 विज्ञापन ज्यादा दिए है बीजेपी ने एक हफ्ते के अंदर। यानी दोस्तों बीजेपी ने ब्रांडिंग के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सारी लिस्ट लगा दी है कि किसने कितने विज्ञापन दिया है एक हफ्ते के अंदर। और जिस तरह मध्य प्रदेश में भी आए दिन पेपरों में इतने विज्ञापन आते रहते हैं, फ्रंट पेज पर पूरा बीजेपी के विज्ञापनों से पेज भर दिया जाता है। आप कोई सा भी पन्ना खोल लो जिसमें सत्ताधारी बीजेपी के विज्ञापन भर भर कर पड़े रहते हैं। दोस्तों अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है बीएसपी के लिए। भारत ने एक सर्वे किया गया था जिसमें 12 ईमानदार नेताओं की सूची जारी करी थी, जिसमें तीसरे नंबर पर रहते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें दूसरे नंबर पर थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पहले नंबर पर थी बसपा सुप्रीमो मायावती। दोस्तों ये सूची देखने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में और बसपा से जुड़े हुए लोगों के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि दोस्तों मायावती जी को भारत का सबसे ईमानदार नेता माना गया है इस सूची में। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, जिसमें मायावती को सबसे ईमानदार नेता माना गया है भारत का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूले और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज की वीडियो का लाइक है 30 likes। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।
आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।